तो यहाँ पे जिस जहाँ हम आए हुए हैं जल महल में, तो व्यू तो काफी अच्छा आ रहा है। इन कपड़ों में फोटो खिंचवाई जा रही है, लोग अपने फोटो खींच रहे हैं। जयपुर जूती 99, ऐसा क्या मिल रहा है यहाँ पे देखते हैं। I'm just thinking about your eyes. तो इतनी देर से ये सोचा था घर वालों के लिए कुछ ले लेता हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मेरा दिमाग खर्च हो गया और कुछ लेने मिला ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं आया क्या लूँ। इतनी सारी चीज़ें में कन्फ्यूजन हो जा रही थी, क्या लूँ। तो फिर इतना कुछ देखा पकड़ा, फिर कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे पतंग उड़ाई जा रही है, काट मत, क्यों लड़ रहा है बच्चों के पंगा ले रहा। कोई बात नहीं। अरे ऊपर वो है, समझ रहा है। ले लिया, अरे पतंग उड़ाया था आंटी के ऊपर ही मार दी इसने पतंग। बताइए, मस्त लग रहा है। मजाक मत कर भाई, टोपी चुरा रहा है चोर। हम लोग यहाँ पे हम लोग सामान ले जा रहे हैं, हमारे पैसे ही नहीं है, मतलब बिना पैसे के सामान ले रहे हैं हम लोग। पता कैसे लोगों से ले लेते हैं, फिर बाद में रख, अलग से रख लो, अलग रखवा देते हैं भैया से। हमने पीछे रखवा दिया सामान की, भाई अभी पैसे वाले लोग आ रहे हैं 15 मिनट में, फिर जब पैसे मिलेंगे फिर फोन की। पता रीजन क्या है, गूगल पे पेटीएम ले रहे हैं, हमारे फोन भी बंद हो गए हैं। मेरे फोन में बैटरी नहीं है, फोन में सिम कार्ड नहीं है, एक में चार्जिंग नहीं है। दूसरे के लोग दूसरे से फोन मांग के चला रहे हो, जिससे फोन मांगा उसके में भाई बैटरी नहीं है, उसमें वो नहीं सिम नहीं है, हद ही हो रखी है, मतलब बिना फोन के घूम रहे हैं अभी। और हमको तो पता भी नहीं भाई कि वो है कहाँ पे, कब मिलेंगे, कोई आईडिया नहीं। उसका चश्मा देखो, चश्मा देखकर डर लग रहा है मेरे को। आ गए पैसे वाले लोग, आ गए पीछे। हम जगह दुकानें ढूंढे जिन दुकान से सामान लिया था, जाके पैसे दे के आते सबके, ऐसे बिना फोन फिर से मैदान उतर गया। इसी आगे फ्री है, बाद में दे देना यार। अरे आते नहीं वो ऑटोमेटिक स्कूटर वाले। इसको चलाने नहीं आती, उनको पक्का पता है किसी ना किसी ने ठोके आए, ये गिरेगा भी। स्कूटर चला के बहुत मजा आया, मतलब बढ़िया था। एक बार तो हवा टाइट हो गई थी मेरी, पूरी गिरने वाला था ऐसा लग रहा था, मगर फिर सीख गया। अब चलते हैं, टाइम कम है, चलते हैं फटाफट। भाई लोग, हाँ भाई, तुमने सामान का रखा है। अभी हम जा रहे हैं अमर पैलेस के अंदर, सुबह से लगे पड़े 6 बजे से घूमे जा रहे हैं, मतलब रिवर्स करके मोड़ लिया है। हैं 6 से 7 तक कमरे में घूमे, कमरे में सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कहाँ पर एरिया है, किसी तरीके से किसी कर्म के फोर्ट में आए हैं। पीछे दिख रही सारी थार खड़ी हुई, सारी की सारी, कितनी भी खड़ी सारी थार खड़ी हैं। ये लोग आगे निकल गए हैं और पीछे पैलेस है मेरे पूरा, मतलब अब जाते हैं पैलेस में, अंबर पैलेस में। देखो बकरी, बकरी कैसे देख रही है, ओए बकरी कैसे देख रही है भाई, मन कर रहा है उसका, बेचारी का मन कर रहा है, खिला दे इसको, देख रही है यार बकरी को, देख कितने प्यार से दिखा रही है, खिला दे भाई, नहीं रहा उधर हो जा, थोड़ी दिखला दे, दे दिया, दे दिया क्या, दिखाई मेरे सामने, दिखला दे मेरे, देख रहे हो बकरी कितनी एक्साइटेड है। भाई तो दोस्त ही बन गया है, एनर्जी की बहुत सख्त जरूरत है मेरे को, सुबह से लगे पड़े 6 बजे से। ये बकरी ना खाना नहीं खा रही, इतनी मुश्किल से खाना पकड़ रहा, बकरी खाना खाने नहीं दे रही है। भाई ये शुरू हो गया हमारा एम्बर पैलेस,
यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े गेट बने हुए हैं। जो सामने दिख रहा है वहां पे हम लोग गए थे आज सुबह सुबह भाग के। तेरी हमारी मस्त तोप मजेदार एकदम गाड़ी चल रही है एक। ओहो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी मतलब सब बना सब कुछ बड़ा बड़ा से दिख रहा है, मजा आ रहा है देखने में। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर कैसा है महल। राजा लोग कहाँ पे घूमा करते थे? राजा घूमते थे क्या? कोई तो घूमता था। यहाँ पे कितना अच्छा वर्क कर रखा है ये देखो, मस्त बना हुआ है एकदम। ऊपर जा रहे हैं अभी हम लोग छत पे। अच्छा ये पहला बार नहीं है क्या? तो देखते हैं आप आसपास कैसा व्यू दिखता है अभी यहाँ से। बहुत खूबसूरती से बना रखा है, इतनी सारी चीजें बंदा क्या क्या देखे यार। तो एक चीज तो यहाँ से व्यूज कितने मस्त मस्त आ रहे हैं। व्यू यहाँ व्यू पे वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो कितनी बड़ी कढ़ाई है भाई, इसमें पूरे हम तल जाएंगे, है ना? हिमराज की कढ़ाई है ये सही में। उधर ये आपको दिख रहा है, ये शीश महल है, शीश महल गुफा आ गई। ये तो बात है, पेंटिंग एकदम मस्त है, अभी चमक कम रहा है, चमक रहा होता समय तो एकदम बिल्कुल चमक रहा होगा। तो अभी हम लोग उस तरह घूम रहे हैं गलियों में क्योंकि हमें किसी रेस्टोरेंट में जाना है, और बाई चांस एक ऑटो मिला बहुत देर बाद, तो भागे भागे तो ऑटो को पकड़ने गए तो ऑटो ही पलट गया, तो ऑटो पलट गया, ऑटो बंद हो गया। फिर पता नहीं किन गलियों में घुसा दिया है कि पहुंच ही नहीं पा रहे, पता नहीं कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं रेस्टोरेंट में कब तक पहुँचते हैं। बट एक चीज़ तो है, जयपुर के लोग बहुत सपोर्टिव है यार, मतलब किसी भी रास्ता पूछते कहते सर आपको बिठा देते हैं, आपको बाइक बैठा के ले चलते हैं, आपको हम ऑटो ढूंढ के दे देते हैं। तो बहुत सपोर्टिव लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमें गूगल ने बताया कि यहाँ पे कहीं पे लोकेशन थी जहाँ हमें जाना था, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये सीढ़ियाँ हैं, ऊपर पहाड़ है जो आपको दिख नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, तो गलत जगह पे पहुँच गए। हेलो हार्दिक, आ गया मजे? वैसे मज़ा आया ना? अरे भाई को पता भाई लेके जा रहे हैं। उन सभी बंद होने वाले थे तो नो शूट, आगे कुछ गलत लोगों से इनकाउंटर हुआ जो जबरदस्ती कुछ खिलाना चाहते थे, तो किसी तरह वहाँ से भागे और निकले। क्योंकि प्लान था किसी मत से फोर्ट में जाके हम डिनर करने वाले थे जिससे पूरा शहर दिखता, मगर वो फोर्ट भी बंद मिला तो मतलब कुछ वर्क नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, जब हम घूमने जाते तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, कुछ चीज़ें मतलब प्लान के अकॉर्डिंग होती है और कुछ चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो इस चीज़ का भी अपना एक अलग मज़ा है। एक चीज़ गलत हुई जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई ना, कि गलत लोगों से इनकाउंटर होना और ऐसे घूमो जाना गलियों में और कहीं पहुँचे रास्ते में बंद होना, जंगल पूरा हम लोग मतलब जो फोर्ट पे गए थे पूरे जंगलों में से हो के गए थे, तो वो मतलब को दिखाता वो भी इंटरेस्टिंग था काफ़ी, मतलब पूरा अंधेरा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ आ गए हैं, जंगलों में से होके जा रहे थे और वहाँ से रात को पूरा शहर दिख रहा था, मतलब गाड़ी से हम देख रहे थे तो अंधेरे में पूरा शहर ऐसे जयपुर दिख रहा था वहाँ से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं चाहता था कि आपको कुछ ग्लिम्स मिले कि जयपुर कैसा लगता है, तो निक एंड रॉन नाम के चैनल ने हमारी बहुत मदद करी, तो ये सिनेमैटिक शॉट्स जो आप देख रहे हो उनके थ्रू मुझे मिले हैं ताकि आपको कुछ ग्लिम्स मिल सके कि जयपुर कैसा है। तो अगर आपको पसंद आई है तो निक एंड रॉन को ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।